नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम द्विवेदी, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जब हम जहाज को हवा में उड़ते हुए देखते हैं तो सामान्यतः हम सबके मन में एक सवाल जरूर उठता है कि जहाज हवा में इतना आसानी से उड़ता कैसे है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम पक्षियों के उड़ने का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पक्षी इतना आसानी से हवा में कैसे उड़ते रहते हैं, है ना। तो उनमें क्या होता है, वो जब अपना पंख को फड़फड़ाते हैं, पक्षी जब अपने पंख को फड़फड़ाते हैं तो उससे क्या होता है, पंख के ऊपर हवा का दबाव कम हो जाता है और पंख के नीचे हवा का दबाव ज्यादा हो जाता है। इस अंतर की वजह से पक्षी आसानी से हवा में उड़ते रहते हैं। वही कॉन्सेप्ट जहाज में भी होता है, मतलब जहाज में भी विंग होते हैं जिसे हम पंख कहते हैं, ठीक है। जब हम जहाज को रनवे में दौड़ाते हैं उसकी वजह से, विंग के शेप की वजह से, मतलब पंख की शेप की वजह से पंख के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और पंख के नीचे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब यह अंतर इतना पर्याप्त हो जाता है कि जहाज को हवा में उड़ा लेने में सक्षम हो जाता है, तब हम जहाज के पिछले हिस्से जिसे हम इम्पेनर सेक्शन, टेल सेक्शन कहते हैं, उसमें हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के साथ एलिवेटर लगा होता है जिसे हम पायलट अप पोजीशन करता है, उसकी वजह से क्या होता है, एलिवेटर ऊपर की ओर हो जाता है। जब एलिवेटर ऊपर हो जाता है तो जो पिछला हिस्सा था, मतलब इम्पेनर सेक्शन या जिसे हम टेल सेक्शन बोले, वो नीचे हो जाता है, ठीक है। तो फ्यूजलाज का जो नोज है, आगे वाला हिस्सा, जब टेल नीचे हो गया तो नोज हमारा ऊपर हो गया और जस्ट टेक ऑफ कर जाता है, ठीक है। और कंटिन्यूअस हम इंजन के पावर से आगे बढ़ते रहते हैं और आसानी से हवा में उड़ते रहते हैं। आशा है आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आप सब यूँ ही हमारे साथ बने रहे, हम आपको हवाई जहाज के बारे में ऐसे ही छोटी छोटी रोचक बातों से अवगत कराते रहेंगे।